साल अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज जो डिश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है पालक गोश्त। मैंने सोचा बहुत दिनों से गोश्त की डिशें बन रही हैं, तो अब ये है कि उसके साथ कुछ सब्जी भी मिलाई जाए। तो पालक जो है वैसे तो इंडिया की डिश है, इंडिया से जब लोग यहाँ पर आए दूसरी डिशों की तरह वो पालक गोश्त भी अपने साथ लेकर आए। पालक इंडिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है सब्जी के तौर पर, और हम तो गोश्त के साथ भी बनाते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें चटा लेंगी। देखिए, आधा किलो मैंने पालक लिया और उसको थोड़े से पानी में जो है इसको बॉईल करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 5 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। मैंने 2 इंच हरी मिर्चें भी डाली थी। और आधा किलो मैंने ये बीफ लिया है, मैंने इसको बॉईल कर लिया है पहले से। और 2 टमाटर मैंने इसमें काटे हैं बारीक। और ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम डालेंगे इसमें। कसूरी मेथी डालेंगे, नमक डालेंगे, और ये गरम मसाला है, इसमें सब चीज़ें हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून इनके साथ धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 2 चमचे लहसुन अदरक के डालेंगे, और 2 मैंने छोटी प्याज काट ली थी ये डालेंगे, और 4 चम्मच जो है दही डालेंगे। और फिर बहुत मज़े से हमारा पालक गोश्त तैयार हो जाएगा। हमने इसमें 1 कप जो है घी डालेंगे हम इसमें। गरम मसाला डालेंगे, तेज़पत्ता डाला हमने, हरी इलायची है इसमें, लौंगे हैं, गरम मसाला है, जीरा है, दालचीनी की स्टिक है, ये तमाम गरम मसाला हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन डालेंगे। लहसुन की इसमें कद्दू आ जाएगी, फिर अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमने डाली है, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम, उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। बहुत खुशबू आने लगी है। तो मैं आपसे कह रही थी कि ये जो पालक है ये सेहत के अखबार से भी बहुत ही अच्छा है। कुत मुदाफ़त बढ़ाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, बालों और स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यानी कि हम आपको देखो छोटे छोटे चीज़ें बताते रहते हैं। आप तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है अच्छी तरह से। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करेंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक मैं नहीं डालती हूँ, कम डालती हूँ। पिसा धनिया डाला हमने इसमें, काली मिर्च डाली, हल्दी डाली और कुटी मिर्च डाली। 5 मिनट के लिए और हम इसको भूनते रहेंगे। अच्छा, तो मैं आपको वो पालक के फ़ायदे बता रही थी कि इसमें मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा। यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सब्ज़ी है पालक जो है, और गोश्त के साथ इनकी और ताकतवर हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को खिलाइए, ज़रूर बड़ों को खिलाइए। और इसके बनाने का मकसद भी ये है कि लज्जत भी है और सेहत भी है, आपको इसमें दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब हम इसमें जो है कसूरी मेथी मिलाएंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी मिलाई है, और ये जो मैंने टमाटर काटे थे वो डाल देंगे इसमें हम। मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें पालक डालेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा हमारा ये पालक गोश्त तैयार हो रहा है। हमारा बहुत ज़बरदस्त ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पालक डालेंगे जो हमने पीस के रखा हुआ है। इसके साथ इसको पकाएंगे हम 5 से 6 मिनट जो है ये इसके साथ ज़बरदस्त तरीके से पकेगा, और बिल्कुल जैसे शादियों का पालक गोश्त होता है इस तरह का हमने ये बनाया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार। दही डाल देंगे, 4 टीस्पून हमने दही लिया वो हमने इसमें डाल दिया। देखिए कितना प्यारा फ्लेवर हमारा बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा कलर देखिए कितना प्यारा है हमारे पालक का। किया था इसको पालक को, नहीं तो अपना कलर ये खो देता है। तैयारी के आखिरी मराइल में है, जरा सा हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है जायफल के डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी इसकी। और अब हम जो है ये फ्रेश क्रीम हम इसमें डाल देंगे।
जबरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही ज्यादा मजेदार पालक गोश हमारा तैयार हुआ है। देखना, बस 2 से 3 मिनट और हम इसको पकाएंगे, फिर डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा बहुत ही मजेदार सा चटपटा सा पालक गोश तैयार हो चुका है। आप खाइएगा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।